लास्ट क्लास में हमारा कहां तक हो गया? डेप्रेशन हमने देखा था ना? चलिए रेट्स ऑफ डेप्रेशन, आज सबसे पहले रेट्स ऑफ डेप्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन में सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, यहां पे सबसे पहले हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स डेप्रिसिएशन परसेंटेज, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, अलाउंसेस ऑफ रिटर्न डाउन, और जो रेट्स चेंज हुए हैं उसी हिसाब से फिर यहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग है, देखो ये जितने भी रेट्स दिए गए हैं ये फाइनल लेवल तक के रेट्स हैं, ठीक है, मतलब आपको इंटर में भी यही रेट्स मिलेंगे, फाइनल में। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंटर लेवल पे नहीं मिलेंगी, थोड़ा कर वॉल्यूम कम, जो आपको इंटर लेवल पे नहीं मिलेंगी। आपको मैं ये पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, जो जो मैं यहाँ पे नोट कराऊ आपको उसी हिसाब से फिर आपको उसमें देखना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे बिल्डिंग, बिल्डिंग विच आर यूज्ड मैनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस। अच्छा मुझे एक बात समझा दो, जो बिल्डिंग अगर हम बिजनेस में यूज करते हैं वो तो बिजनेस वाली बिल्डिंग होगी, पीजीबीपी में आती है, पीजीबीपी में रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैसे आएगी, कोई बताएगा? आंसर दो सर। अगर मोर देन हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं, एक को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। नलायक, हाउस प्रॉपर्टी की बात हाउस प्रॉपर्टी में करेगा, अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? नहीं सर, पीजीबीपी में अगर सर हाउस प्रॉपर्टी ज्यादा होती है कि लेट आउट करते हैं, बहुत प्रॉपर्टी होती है किसी पास तो लेट आउट या बीम लेट आउट होता है, तो उसका पीजीबीपी के साथ क्या लेना देना है? रिति बताएगी, रिति इधर सुनो मैं बताता हूं। ये स्क्रीन दिख रहा है ब्लैंक? अगर मेरे पास मान लीजिए पांच हाउस प्रॉपर्टीज हैं, रिति सर स्क्रीन नहीं दिख रही, रिद्धि को क्यों नहीं दिख रही स्क्रीन? बेटा इसको थोड़ा स्वाइप कर लो, दूसरे साइड में स्क्रीन मिलेगा आपको। अगर पांच हाउस प्रॉपर्टीज है मेरे पास, 1, 2, 3, 4 और 5 हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। सरकार ने कहा है कि इन इन में से किसी भी दो को चुन लो, पहले ऑप्शन था एक का, अब ऑप्शन है दो का, आप किसी भी दो को चुन लो। मैंने इन दो को चुना और मैंने कहा कि ये मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब सरकार को मैंने कहा कि मैंने इनको लेट आउट नहीं किया, ये जो बाकी के तीन है इनको मैंने लेट आउट नहीं किया है, ये भी मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन सरकार ने कहा कि इनको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ना मान के इनको हम डीम्ड लेट आउट मानेंगे। क्या मानेंगे? डीएलओ जिसको बोलते थे, डीम्ड टू बी लेट आउट, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड का ट्रीटमेंट क्या होता था? इसका एनएवी नील होता था, और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता? इसमें पहले जीएवी निकालते थे, फिर म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते थे, ठीक है, इसके बाद एनएवी आता था, एनएवी में से डिडक्शन देते थे, माइनस डिडक्शन 24A का, 24B का, फिर जो अमाउंट आके था इसको बोलते थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें एनएवी के बाद क्या होता था? डिडक्शन भी इसमें 24A का तो नील आता था, क्योंकि 30% ऑफ एनएवी यहाँ पे लेते थे, फिर डिडक्शन 24B का जो मिलता था वो यहाँ तो 2 लाख रुपए मिलता या 30,000 रुपए मिलता, तो यहाँ पे लॉस आने के चांसेस होते थे, 2 लाख या 30,000 रुपए का लॉस आ सकता था हमारे पास, इसको हम बोलते थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे पांच हाउसेज है, इनमें से किसी को भी मैंने पीजीबीपी में ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। अब अगर मेरा एक और हाउस प्रॉपर्टी है यहां पे जिसमें मैं बिजनेस करता हूं, क्या करता हूं? बिजनेस करता हूं,
तो इसका ट्रीटमेंट जो है इसमें, इसका ट्रीटमेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, इसका ट्रीटमेंट पीजीबीपी में होगा। अब पीजीबीपी में कोई भी बिल्डिंग यूज होती हो, चाहे अपनी बिल्डिंग हो आपकी या रेंटेड बिल्डिंग हो, उसका ट्रीटमेंट पीजीबीपी में ही होगा। क्लियर बात यहां तक? अगर रेंटेड बिल्डिंग है तो उसका जो रेंट है वो किससे माइनस होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम यहां पे माइनस करते हैं रेंट के नाम पे। क्लियर है? लेकिन यदि हमारे पास कोई अपनी बिल्डिंग है, ओन्ड बिल्डिंग, ओन्ड बिल्डिंग में तो हम रेंट माइनस नहीं करते, हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहां पे ओन्ड बिल्डिंग की बात हो रही है, जो मैंने आपको यहां पे बताया, यहां पे ओन्ड बिल्डिंग की बात हो रही है। यदि आपकी कोई बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होती है, ये आपकी अपनी बिल्डिंग है रेसिडेंशियल पर्पज के लिए, वो बिल्डिंग जो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होती लेकिन फिर भी रेसिडेंशियल है, इसको कैसे हम ये इंटरप्रेट करें? आपको पता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, जैसे ऑफिस में हमने वर्कर्स को क्वार्टर दिए, स्टाफ क्वार्टर जिनको बोलते हैं, उन स्टाफ क्वार्टर्स में क्या होता है, इन स्टाफ क्वार्टर्स में रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होते हैं वो, या गेस्ट हाउस, मान लो गेस्ट हाउस किस लिए यूज होता है, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए होता है। अगर मेरे ऑफिस में मेरे, वो तो मेरे बिजनेस का है ना, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होता है, लेकिन बिल्डिंग यूज कहाँ होती है, बिजनेस में, ऑफिस क्वार्टर बिजनेस में यूज होता है, वो तो मैं हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको बिजनेस में यूटिलाइज कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई स्टाफ क्वार्टर है, ठीक है, या गेस्ट हाउस है, या कोई ऐसा बिल्डिंग है जो मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ लेकिन उसमें रेसिडेंशियल के लिए यूज होता है, तो उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5%। कितना है? 5%। बिल्डिंग अदर देन दोज मेनली यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस नॉट कवर्ड बाय सब आइटम्स 1 एंड 3 अबव। फिर बाकी जो बिल्डिंग्स हैं इनमें क्या है कि अगर इसके अलावा, ये जो रेसिडेंशियल पर्पस के अलावा कोई और बिल्डिंग आपके पास है, उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। उसके बाद आ जाओ नीचे, ये कहता है कि प्योरली टेम्पररी इरेक्शंस सच एज वुडन स्ट्रक्चर्स। अगर आपने कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा किया है, टेम्पररी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे आपने देखा होगा रोड बनते हैं, ठीक है, रोड के जहां पे भी रोड बनता है वहां पे वो क्या करते हैं, साथ साथ में एक वहां पे यूटिलाइज करते हैं इसको, जहां पे सामान रखते हैं एक शेड बनाते हैं, ठीक है, उन शेड्स का क्या काम होता है, जब तक रोड बनेगा वहां पे वर्कर स्टे करेंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे सामान रखा जाएगा। अब वो तो एसेट है ना, अब उस एसेट का डेप्रिसिएशन 100% इसी साल में मिलता था पहले, लेकिन फिर सरकार ने रेट चेंज करके कितना रखा है, 40% अब इसका रेट है। ठीक है यहां तक? ओके। अगर आपको टेम्पररी स्ट्रक्चर का एक और एग्जांपल चाहिए, तो जो मूवीज में सेट यूज होते हैं, जैसे वहां पे आपने देखा होगा कोई बड़ी बिल्डिंग दिखाते हैं, उसको उड़ा लेते हैं हवा में या आग लगाते हैं, उड़ाते हैं, वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं, वो कोई सच में बिल्डिंग नहीं होती, वो जहां पे भी काम करते हैं वो सेट होता है, ठीक है, नकली बना होता है बिल्डिंग, ठीक है, उनको हम बोलते हैं टेम्पररी इरेक्शंस, जिनको किसी स्पेशल पर्पज के लिए रखा जाता है, जब पर्पज खत्म हो गया उसके बाद उसको भी हटा देते हैं। तो उन डेप्रिसिएशन उन पे जो लगता है वो लगता है 40% के हिसाब से, पहले 100% लगता था, अब असेसमेंट या 17-18 से रेट चेंज होके कितना रह गया है, 40%। चलो ठीक है, ये भी रेट भी आपको याद रहेगा। उसके बाद आ जाइए फर्नीचर फिटिंग पे। फर्नीचर फिटिंग पे डेप्रिसिएशन रेट है आज का 10%, ठीक है, ये हमेशा रहेगा 10%, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद मशीनरी एंड प्लांट। प्लांट मशीनरी में क्या क्या चेंज है? प्लांट मशीनरी में सबसे पहले तो जो भी नॉर्मल प्लांट मशीनरी है उन पे 15% डेप्रिसिएशन रेट है। नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी कोई भी हो उस पे 15% डेप्रिसिएशन रेट है। उसके बाद है मोटर कार। मोटर कार भी तो प्लांट मशीनरी है। सर अगर मेरा अपना, मान लो मैंने बिजनेस में मोटर कार यूज नहीं करता, मेरा अपना पर्सनल नेचर का है, तो उस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि पर्सनल नेचर की चीज पे डेप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा, ये तो जब बिजनेस में यूज करोगे उसको तभी डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। तो मोटर कार्स अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। अगर आपने कार को हायर पे यूज ना करते हैं, जैसे ओला उबर में हायर पे वो देते हैं,
ठीक है, उनका काम ही है जितनी भी उनके पास मोटर कार्स है उनको वो हायर पे चला लेते हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं है। आपका काम है गाड़ियों पे, गाड़ियों का काम नहीं है आपका, गाड़ियों को हायर पे देने का काम नहीं है आपका, कोई और काम है, लेकिन फिर भी आपके काम में कुछ गाड़ियां यूज होती है, तो ऐसी गाड़ियों पे आपको 15% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन कंडीशन है कि ये गाड़ियां आपने परचेज किए हो और पुट टू यूज किए हो 1990 के बाद, ठीक है, 1 अप्रैल 1990 जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से इनको यूज करना है। उसके बाद है मोटर कार्स अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 23rd day of August 2019। ये नया अमेंडमेंट है जो आपको इसमें आना, इसमें कवर अप करना था कि अगर कोई ये वाली गाड़ी जो हमने ऊपर डिस्कस की हुई है जिसमें जिसमें आपको क्या कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें आपका बिजनेस नहीं है, अदर देन दोज यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, आपका कोई नॉर्मल बिजनेस है फिर भी, ये क्या हो रहा है, आपका कोई नॉर्मल बिजनेस है लेकिन फिर भी आप इसको क्या करते हैं हायर पे लगा लेते हैं, सॉरी हायर पे नहीं लगा लेते हैं, आपका कोई ऐसा बिजनेस है नॉर्मल बिजनेस जिसमें गाड़ियां हायर पे नहीं लगती, ठीक है, लेकिन आपने गाड़ियां परचेज और पुट टू यूज किया है 23rd ऑफ अगस्त 2019, ठीक है, तो आपको जो डेप्रिसिएशन रेट लगेगा वो लगेगा 30%। इससे पहले का डेप्रिसिएशन रेट था 15%। अब यहां पे अगर आप देखोगे दोनों ब्लैंक हैं क्योंकि इससे पहले इन पे डेप्रिसिएशन था ही नहीं, क्योंकि ये इसी कैटेगरी में फॉल होता था, ऊपर वाली कैटेगरी में, ठीक है। अब क्या है, अब ये नया अमेंडमेंट है, इसको मैं यहां पे लिखूंगा अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट है जो आया है और इसमें सरकार कहती है कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल बिजनेस है, आप गाड़ियों का बिजनेस नहीं करते हैं, गाड़ियों को हायर पे देने का बिजनेस नहीं करते हैं और आपके पास कोई गाड़ी है, अगर आपने उसको 23 अगस्त के बाद खरीदा है, पुट पे यूज किया है, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 30% का डेप्रिसिएशन आप ले सकते हैं, ठीक है, यहां तक बात ओके। आगे आइए बात करते हैं एरोप्लेन्स की, एरोप्लेन्स पर डेप्रिसिएशन रेट है 40%। फिर आते हैं मोटर बसेस पे, मोटर बसेस या मोटर लोरीज और मोटर टैक्सीज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। अब आई हायर वाली बात, अगर आपके पास मोटर बस है, मोटर लोरीज है या मोटर टैक्सीज है, मैं ओला उबर की बात कर रहा हूं, यहां पे ओला उबर की बात कर रहा हूं, हिमांशु अपना वीडियो बंद करेगा, हिमांशु वीडियो बंद कर लो, हाँ वीडियो बंद कर लो, ओके ओके। यहाँ पे बात चल रही है ओला उबर की या कोई भी ऐसी कंपनी की जिनका काम है हायर पे देना, उनपे उनके पास जो गाड़ियां होती है उनपे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 30%, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे पे, मोटर बसेस या मोटर लोरीज या मोटर टैक्सीज यूज्ड अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर, ये भी अमेंडमेंट है, ये 2019 में अमेंडमेंट आया है। हिमांशु आप ये भी म्यूट कर लो इसका, क्योंकि आपकी आवाज वहां से आ रही है। यहां अमेंडमेंट आया हुआ है, नोटिफिकेशन है 69 नंबर 2019 में आया है, 20 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें सरकार कहती है कि अगर कोई मोटर बस या मोटर लोरी या मोटर टैक्सीज जो बिजनेस में यूज कर रहे हैं आप हायर पे, ओला उबर की बात यहां पे भी हो रही है, लेकिन ये आपने कब परचेज किए हो, ये आपने परचेज किए हो 23rd day of August 2019 बट बिफोर द 1st day of April 2020, इससे पहले पहले अप्रैल 2020 से पहले पहले आपने इनको पुट टू यूज करना है, तो इसके लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, 45% लगेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहां तक तो अभी तक दो अमेंडमेंट्स हमारी कवर हुई है, एक ऊपर वाला हुआ था ये जो अभी हमने देखा था जिसपे 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, और दूसरा हमने ये लगा था जिसपे 45% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है यहां तक।
ओके जी, आगे आते हैं। उसके बाद है कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल विच इज एक्वायर्ड बाय द एसएससी ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1998। कमर्शियल व्हीकल जितने भी है उन पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा 40%। न्यू कमर्शियल व्हीकल ये आपके काम की चीज नहीं है, बट मैं आपको फिर भी ये पीडीएफ भेजूंगा तो आप इसको देख लेना, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें इसमें है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में पहले लगता था 100%, अब जो रेट है जो 2017-18 असेसमेंट ईयर से आए हैं वो है 40%, ठीक है। 40% इन पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे रेट है, डेप्रिसिएशन है, जो आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं वाटर पोल्यूशन पे भी 40% ही है। आपको इतने सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको ये पीडीएफ मिलेगा, आप इसमें देख सकते हैं। एक और है जो आपको देखना है, कंटेनर्स मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक यूज एज रिफिल्स, इस पे भी 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जो 17-18 से चेंज हुआ है। कंप्यूटर पे पहले 60% का लगता था, या सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उनपे 60% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अब 40% है, ये आपको पता होगा। प्लांट एंड मशीनरी यूज इन वेविंग प्रोसेसिंग एंड कहां गया, गारमेंट सेक्टर ऑफ टेक्सटाइल, जो गारमेंट इसमें यूज होते हैं जिसे इसको वीविंग बोलते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं गारमेंट्स की, उनपे जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होती है उसपे 40% डेप्रिसिएशन लगता है। बाकी प्लांट एंड मशीनरी पे 15% लगता है, लेकिन मशीनरी एंड प्लांट यूज इन वीविंग और प्रोसेसिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनपे 40% लगता है। ये भी फाइनल लेवल का है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको याद रहेगा तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो मुझे आपको एक और चीज दिखानी थी वो थी अब आ जाइए शिप्स पे। शिप्स पे डेप्रिसिएशन रेट है 20%, पहले इन पे 25 लगता था, अब 20% है सब पे। उसके बाद इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स पे 25% है, 25% डेप्रिसिएशन है इंटेंजिबल्स पे। अगर आपका कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, गुडविल, जो भी है आपके पास, उसके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% है। इतना आप सबको पता होगा, आई होप सो। बस इतने डेप्रिसिएशन रेट्स आपको याद रखने हैं, बाकी ये सारा चार्ट आपको मिलेगा, आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। अब वापस आ जाते हैं हम अपने यहां पे। तो रेट्स ऑफ डेप्रेशन जो बड़े बड़े मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, इनमें से सबसे पहले मैंने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए स्टाफ क्वार्टर जैसे हैं, इनपे 5% डेप्रेशन रेट है। बिजनेस पर्पस के लिए फैक्ट्री या गोडाउन या ऑफिस है, इस पे 10% लगेगा। टेम्पररी स्ट्रक्चर पे 40% लगेगा, फर्नीचर पे 10%, शिप्स पे 20%, इंटेंजिबल्स पे 25%, प्लांट एंड मशीनरी जो है नॉर्मल 15%, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 40% और कंप्यूटर वगैरह पे 40%। ये आपको मेनली आते हैं, बाकी ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब आ जाइए सेक्शन 33AB पे। सेक्शन 33AB क्या कहता है, सुनना, ध्यान से सुनना है आपको, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 33AB कहता है टी, कॉफी या रबर डेवलपमेंट रिजर्व बना सकते हैं अगर कोई एसएससी जो बिजनेस करता है ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी या रबर इन इंडिया। इंडिया में अगर कोई एसएससी टी, कॉफी या रबर को ग्रो करने का या मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस करता है तो उस व्यक्ति को डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 33AB के अंडर। कितना डिडक्शन मिलेगा सर, एक्चुअल अमाउंट जितना वो डिपॉजिट करेगा और 40% प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस, इन दोनों में से जो लोअर होगा। सर डिपॉजिट कहां करना है, डिपॉजिट करना है इन अ बैंक ऑफ नबार्ड और एनी अदर बैंक अप्रूव्ड बाय टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड। अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपको किसी भी बैंक में जो अप्रूव्ड बाय टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड में अप्रूव्ड हो, उन बैंक्स में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कब डिपॉजिट करना है, साल जब खत्म होता है 31 मार्च को, 31 मार्च के बाद आपको 6 महीने मिलते हैं,
छह महीने के अंदर अंदर आपको आईटीआर फाइल करना होता है। अगर आपने पांचवें महीने में आईटीआर फाइल किया और छह महीने का जो टाइम लिमिट है वो आप पांच महीने हो जाएगा, या तो छह महीने के अंदर अंदर आपको डिपॉजिट करना है या जिस टाइम पे आप आईटीआर भर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको डिडक्शन लेना है ये आईटीआर में ही तो लेना है, ठीक है, आईटीआर में आपको ये डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने आईटीआर पहले भरा और उसके बाद डिपॉजिट कर लिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने डिपॉजिट किया उसके बाद आईटीआर भरा तब जाके आईटीआर में शो कर सकते हो कि हाँ ये अमाउंट मैंने डिपॉजिट कर दिया है, इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है प्रीवियस ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च के बाद छह महीने और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, जिस दिन आप आईटीआर फाइल करोगे, इन दोनों में से जो कार्य पहले होगा उस दिन तक आपको डिपॉजिट करना है। अच्छा, पैसा डिपॉजिट कर लिया, इस पैसे को क्या करना है? अब इस पैसे पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती है। सरकार ने कहा कि इस पैसे से आप कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीद सकते जिसका 100% डेप्रिसिएशन अलाउड इन सेम प्रीवियस ईयर हो। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि कोई भी एसेट अगर साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है, तो उस पे 100% डेप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, या 150% का डेप्रिसिएशन मिलता है। तो सरकार ने कहा कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीदेंगे जिसपे 100% डेप्रिसिएशन रेट आपको मिल जाएगा, या कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीदेंगे जो नेगेटिव लिस्ट एसेट में आता है। नेगेटिव लिस्ट क्या है उसको अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, उसको कभी और हमें चर्चा करनी है। तीसरा है कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीदेंगे जो ऑफिस में यूज होता है। मतलब कोई भी ऐसा एसेट, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एसी खरीदा इस पैसे से जो मैंने ऑफिस में लगाया, तो सरकार ने कहा इस अमाउंट को फिर मैं डिडक्शन नहीं दे दूंगा। आप कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीद सकते जो आपके ऑफिस में यूज होता हो एक्सेप्ट कंप्यूटर। हाँ, अगर आपने कंप्यूटर खरीदा है उसको आप ऑफिस में यूज कर रहे हैं तब हम आपको डिडक्शन इसका दे सकते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीद सकते जो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए, याद आया ऊपर बिल्डिंग, रेसिडेंशियल पर्पज कौन सा होता है? रेसिडेंशियल पर्पज जो स्टाफ क्वार्टर हो गए, ठीक है, या गेस्ट हाउस हो गया, इनमें अगर आपने यूज कर लिया। मैंने कंप्यूटर खरीदा इसी पैसे से, मैंने कंप्यूटर खरीदा और गेस्ट हाउस में रखा, तो बताओ डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं सर। डिडक्शन कब मिलेगा? जब आप कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीदेंगे जिसका 100% डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जब आप कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीदेंगे जो शेड्यूल 11 में मेंशन है, कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीदेंगे जो ऑफिस में यूज होता है कंप्यूटर के अलावा, या कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीदेंगे जो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए या गेस्ट हाउस में यूज होता है। अब आपसे क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई डिडक्शन है और इसमें आपने क्या किया, आपने एक एसी परचेज कर लिया जो आपने गोडाउन में लगाया है, तो बताओ डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी से आंसर बताएंगे। आपने एक एसी खरीदा जो आपने गोडाउन में लगाया तो डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ या ना? कोई आंसर नहीं आ रहा मुझे। सर, अगर ऑफिस में यूज होता एसी तो डिडक्शन नहीं मिलता, अगर गोडाउन में यूज हुआ है तो डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद अगर ये अमाउंट विड्रॉ हो रहा है इन केसेस में तो टैक्स लगेगा, टैक्सेबल हो जाएगा या नॉट टैक्सेबल हो जाएगा? मतलब क्या इसका, अगर ये इनकम जो है, यहां पे फिर से बताता हूं, आपने क्या करना है, आपको डिडक्शन मिल रहा है, डिडक्शन का मतलब क्या है यहां पे ध्यान देंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे यहां पे आपकी इनकम्स होती है, यहां पे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस में आप यहां पे डिडक्शंस लेते हैं जितने भी सारे एक्सपेंसेस है, ठीक है, नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट पे आप टैक्स देते हैं, ठीक है, तो यहां पे जो आपने पैसा वहां पे डिपॉजिट कर लिया उसको आपने यहां पे लिख लिया, इसको डिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अगर आपने अभी जो मैंने कहा कोई ऐसा एसेट खरीदा जिसका 100% डेप्रिसिएशन एक साल में मिल जाता है, या कोई ऐसा एसेट खरीदा जिसका शेड्यूल 11 में मेंशन है, या कोई ऐसा एसेट खरीदा जो ऑफिस में यूज होता हो कंप्यूटर के अलावा, या कोई ऐसा एसेट खरीदा जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता है, तो सरकार ने कहा कि इसको मैं यहां से हटाकर यहां लगा दूंगी अगले साल में। तो इसका मतलब क्या है, इसको प्रॉफिट बढ़ेगा इससे,
इतने अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ेगा जितना आपने यहाँ पे डिडक्शन लिया था, इतने अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ेगा और आपको बढ़े हुए प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना सर? यस। इसीलिए अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो ये कंडीशन जरूरी है कि फॉलो हो जाए। अगर आपने इस पैसे को विड्रॉ कर लिया तो इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा वो देखना है। अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एसएससी, अगर एसएससी मर गया और पैसा विड्रॉ हो रहा है, अब एसएससी के लीगल हायर्स इसको विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो सरकार ने कहा उनके लिए नॉन टैक्सेबल है, उनकी इनकम नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अब ये इनकम ऐसे लोगों के पास है जिनका ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, जिनका ऑलरेडी जो एसएससी है मर चुका है, अब उन पे हम दोबारा टैक्स कैसे लगाएंगे, उनको हम टैक्स के बारे में कैसे अब बोले, क्योंकि ऑलरेडी एसएससी जो है मर चुका है। दूसरा है पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, अगर आप एचयूएफ का बंटवारा कर रहे हैं उस केस में भी ये अमाउंट जो है टैक्सेबल नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। सर कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है, सरकार ये सोचती है कि एचयूएफ तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए एचयूएफ अगर एक बार टूटा, मान लीजिए ये मिस्टर ए है, इसका एचयूएफ है, मिस्टर ए का यहाँ पे साथ में है मिसेज ए, ठीक है, इनके बच्चे हैं एक्स और वाई, इनकी भी श्रीमती जी यहाँ पे साथ है, इनके बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, ये एचयूएफ बना सकते हैं आराम से। और जैसे ही ये बोलेंगे कि हमारे एचयूएफ का बंटवारा हो गया तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसके बाद चाहे भी तो ये दोबारा ये एचयूएफ नहीं बना सकते, मिस्टर ए दोबारा अपना एचयूएफ इनके साथ मिलके नहीं बना सकता, ठीक है। इसीलिए सरकार ने कहा जब एचयूएफ का बंटवारा हो गया तो ये अब फैमिली नहीं रही, अब नॉट टैक्सड है, क्योंकि फालतू में कोई एचयूएफ का बंटवारा नहीं करेगा। लेकिन पार्टनरशिप में क्या हुआ, पार्टनरशिप में बड़ी दुर्घटनाएं घटी, मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट कर लिया और कहा कि हम दोनों आज से पार्टनर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर लिया, अमाउंट डिपॉजिट कर लिया, ठीक है, टी डेवलपमेंट रिजर्व में, इसको चाय का बिजनेस करना था, चाय का बिजनेस करने के बाद टी डेवलपमेंट रिजर्व में पैसा डाला, ठीक है, और यहां पे जो नेट प्रॉफिट आया इस पे टैक्स दिया। बताओ इसने कम अमाउंट पे टैक्स दिया है क्योंकि ये वाला ऑलरेडी यहां पे माइनस हो चुका है। अब जैसे ही इसको बेनिफिट मिला, साल खत्म हुआ, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कहा कि अब हम इस पार्टनरशिप को हटा रहे हैं, अब हमें नहीं चाहिए पार्टनरशिप, अब हमने अपना जो धंधा है बंद करना है, हम एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, आज के बाद ना मैं तेरा चेहरा देखूंगा। बी ने कहा मैं तेरा भी चेहरा देखने के लिए बड़ा बेकरार थोड़ी हूं, मुझे भी नहीं देखना, जाओ। तो पार्टनरशिप तोड़ने का कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, तोड़ सकते हैं, ठीक है, बेनिफिट उठाने के बाद क्या होगा, ये जो रिजर्व है इसका भी बंटवारा होगा, ठीक है, एक मिस्टर ए ले जाएगा अपना हिस्सा, मिस्टर बी ले जाएगा अपना हिस्सा, अगले साल फिर आए कहा कि चलो फिर से दोस्ती करते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी फिर से दोस्ती कर ले हैं और कहा कि फिर से अब हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, इस बार कॉफी का बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व में पैसा लगाया। सरकार ने कहा ये तो तुम नौटंकी कर रहे हो, हर साल कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट उठाने के बाद क्या कर रहे हो, बेनिफिट उठाने के बाद अगले साल इसको बंटवारा कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, ये भी सेम केस है कि मिस्टर ए ने क्या सोचा, मिस्टर ए ने सोचा चलो मैं कॉफी का बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, कॉफी का बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है, अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट किया कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व में, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे टैक्स दिया जो आपका नेट प्रॉफिट बना, ठीक है, उसके बाद अगले साल का कि चलो अब मेरा बिजनेस करने का मन नहीं है, मेरा मन हट गया बिजनेस करने से, तो ये पैसा तो बेनिफिट मिला ना, तो इसका हिस्सा जब होगा ये तो मिस्टर ए सारा का सारा अपने पास रखेगा, बेनिफिट मिल गया, ठीक है, और आगे आप बिजनेस नहीं करना चाहते, दो साल बाद फिर से मिस्टर ए ने कहा कि अब मैं फिर से बिजनेस करना चाहता हूं, अब कोई थोड़ी रोक सकता है कि बिजनेस को बंद क्यों किया, बिजनेस को फिर से स्टार्ट क्यों किया, इसके बारे में थोड़ी कोई रोक सकता है, अपनी मर्जी है भैया, ठीक है। इसीलिए सरकार ने कहा अगर आपने डिसकंटिन्यू कर लिया बिजनेस, डिसकंटिन्यू तो क्या होगा,
तो मैं इस पैसे को जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में से यहाँ पे माइनस कर रखा था, इसको टैक्सेबल कर दूंगा, ये आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा सीधा सीधा, इसको मैं टैक्सेबल करूंगा, ठीक है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो सरकार, लिक्विडेशन का प्रोसेस आप सबको पता होगा, लिक्विडेशन में क्या होता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को, एसेट्स को सोल्ड कर लेता है और लायबिलिटीज को पे ऑफ करता है। अब जितने भी रिजर्व्स वगैरह होते हैं, ये भी तो रिजर्व ही है, ठीक है, ये लिक्विडेटर के पास रहेगा, ये अब कंपनी के शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा, ये लिक्विडेटर के पास रहेगा। लिक्विडेटर सारे एसेट्स रिजर्व्स वगैरह जितने भी हैं इनको जोड़ के पहले तो लायबिलिटी पे ऑफ करेगा, फिर जो अमाउंट बचेगा वो शेयर होल्डर के पास जाएगा। इसीलिए इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। एक और कंडीशन है, अगर ये एसेट आपने परचेज कर लिया, कोई भी एसेट जो ऊपर दिए गए एसेट है उनके अलावा कोई भी एसेट आपने सोल्ड कर लिया, तो इसको आप अगले 8 साल तक नहीं बेच सकते, 8 साल तक नहीं बेच सकते। 8 साल कैसे हम गिनेंगे कि अगर हमने एसेट को सोल्ड किया, अब यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यदि मेरे कोई एसेट खरीदा, एसेट परचेज्ड ऑन 15/7/2016 में मैंने कोई एसेट खरीदा, ठीक है, अब इसको मैं कब तक नहीं बेच सकता, सरकार ने कहा कि ये साल खत्म कब होता है, 31 मार्च 2017 के बाद आप 8 साल जोड़ो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो डेट आया 31 मार्च 2025 तक आप इस एसेट को नहीं बेच सकते, नॉट टू बी सोल्ड। अगर इससे पहले आपने बेच दिया तो वही होगा क्या कि जो पैसा आपने बेनिफिट उठाया था, जो आपका डिडक्शन में चला गया था, वो अब आपकी इनकम में जुड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा सेक्शन है, ध्यान दीजिए, अभी एक मिनट में सारा कुछ रिवाइज करा दूंगा, पहले एक बार सुन लेना। उसके बाद एक और कंडीशन है, इन केस ऑफ एमलगमेशन, या जितना भी आपने ये एसेट को, अगर इन दो केसेस में आपने सोल्ड या ट्रांसफर कर लिया, सोल्ड का मतलब होता है ट्रांसफर भी होता है, ठीक है, अगर इन दो केसेस में ये अमाउंट जो है, ये एसेट जो है ट्रांसफर हुआ, तो टैक्सेबल नहीं होगा। पहला, आपने गवर्नमेंट को बेचा, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट अपने आप को इसके सारे झंझटों से खत्म कर लेती है, ठीक है, झंझट नहीं रहे, इसीलिए सरकार ने कहा कि अगर आपने सरकार को ही अपना एसेट बेच दिया, सेम एसेट जो आपने इस पैसे से खरीदा था, तो हम आपको टैक्सेबल नहीं करेंगे, किसी और को बेचोगे तो टैक्सेबल होगा। इन केस ऑफ एमलगमेशन, अगर एमलगमेशन कर रहे हैं, आपकी कंपनी जो है एमलगमेशन कर रही है, एमलगमेशन का प्रोसेस क्या होता है, अब जितने भी यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटी होते हैं बैलेंस शीट में, यहाँ पे लायबिलिटीज हो गया, यहाँ पे एसेट्स हो गया, इस कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होते हैं, यस और नो, इसको बोलते हैं एमलगमेशन। एमलगमेशन के केस में सारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो दूसरी कंपनी ले जा रही है, अब जब ये सारा चीज जा रहा है तो वो वाला एसेट भी तो गया जो आपने इस पैसे से खरीदा था, उस पर एसेट को थोड़ी बोलो कि नहीं हम इसको नहीं बेच सकते क्योंकि ये तो फिर तो टैक्सेबल हो जाएगा। सरकार ने कहा इन केस ऑफ एमलगमेशन सारे एसेट्स लायबिलिटीज जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये भी जाएगा, ये वाला एसेट भी, इसीलिए सरकार ने कहा कि ऐसे केस में हम इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, अगर एक और कंडीशन, अमाउंट विड्रॉन मस्ट बी यूटिलाइज्ड विद इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट इज विड्रॉन, मतलब क्या है इसका कि यदि आपने इधर यहां पे मैं बताता हूं, 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इन दो डेट्स के बीच में आपने कभी भी अमाउंट विड्रॉ कर लिया,
विड्रॉ। तो सरकार ने कहा कि इस पैसे को आपको यूटिलाइज करना है इस डेट तक, अगर इस डेट के बाद आपके पास कोई अमाउंट बचा तो वो सीधा सीधा टैक्सेबल हो जाएगा, आपकी इनकम में मान लिया जाएगा। सर बात मतलब क्या है कि यदि आपने 1 अप्रैल 2019 को कोई अमाउंट विड्रॉ कर लिया इस अकाउंट से, टी डेवलपमेंट रिजर्व, कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व या रबर डेवलपमेंट रिजर्व से, इसको यूटिलाइज करने का आखिरी डेट है 31 मार्च 2020, मतलब सेम प्रीवियस ईयर में आपको यूटिलाइज करना है। अगर कोई ऐसा नालायक व्यक्ति है जो 31 मार्च 2020 को ही विड्रॉ करेगा, उसके लिए आखिरी डेट क्या है सर? उसके लिए भी आखिरी डेट 31 मार्च 2020 है, मतलब विद इन द सेम डे रात के 12 बजे से पहले पहले इसको ये अमाउंट निपटाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर 1 अप्रैल 2020 को इसके पास ऐसा कोई पैसा था तो ये पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये था आपका सेक्शन 33AB। देखना एक बार ही फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक मिनट की बात है, रिवाइज हो जाएगा। थर्टी थ्री ए बी कहता है कि ये ऐसे एसएससी को मिलेगा जो बिजनेस करता हो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कॉफी या रबर इन इंडिया, अब्रॉड कर रहा है तो ये डेवलप ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंडिया में कर रहा है तो डिडक्शन मिलेगा। कौन से सेक्शन में? 33AB सेक्शन में। कितना डिडक्शन मिलेगा सर? एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस। दिस बिजनेस का मतलब है जो टी बिजनेस से, कॉफी बिजनेस से या रबर बिजनेस से इसको प्रॉफिट है। अगर इसके पास चार और बिजनेस है तो उनसे आने वाला प्रॉफिट जो है उसको हम 40% नहीं करेंगे, सिर्फ इस बिजनेस को 40% ले लेंगे और उसके बाद इसको हम 40% प्रॉफिट निकाल के दोनों का लोअर जो होगा उसको हम डिडक्शन दे देंगे। अब ये आता है कि सर इसको डिपॉजिट कहाँ करना है? डिपॉजिट के लिए सरकार ने कहा कि किसी भी बैंक में करो जो अप्रूव्ड, लेकिन जो बैंक अप्रूव्ड हो टी डेवलपमेंट, कॉफी डेवलपमेंट या इसमें बोर्ड से, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद सर कब तक डिपॉजिट करना पड़ेगा तो डिडक्शन मिलेगा? तो कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, 31 मार्च से लेकर 6 महीने मतलब 30 सितंबर तक आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न उससे पहले फाइल कर दिया तो उस डेट ऑफ रिटर्न तक आपको ये जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद सरकार ने इस जमा किए पैसे पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सर अगर कोई भी पैसा जो आपने इसमें टी डेवलपमेंट या कॉफी डेवलपमेंट या रबर डेवलपमेंट रिजर्व में जमा कर दिया, इसको क्या करना है आगे जाके, इससे क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं बट ये चीजें नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीद सकते जिसका 100% डेप्रिसिएशन एक साल में मिल जाता है। कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीद सकते जो शेड्यूल 11 में मेंशन है। कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीद सकते जो ऑफिस में यूज होता है कंप्यूटर के अलावा। कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीद सकते जो रेसिडेंशियल पर्पस यानी कि स्टाफ क्वार्टर या गेस्ट हाउस में यूज होता है। ओके, तो सरकार ने कहा कि अगर इन केसेस में ये अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल हो जाएगा कि नॉट टैक्सेबल हो जाएगा? सबसे पहला है डेथ ऑफ एन एसएससी, सर नॉट टैक्सेबल। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, नॉट टैक्सेबल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे तुम गड़बड़ कर सकते हो तो इसलिए टैक्सेबल हो गया। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, सर यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकते हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के केस में भी नॉट टैक्सेबल है। तो सरकार ने कहा जो एसेट आप इससे खरीदोगे उसको अगले 8 साल तक नहीं बेच सकते। अगर आपने इसको बेचा सिर्फ दो कंडीशंस में नॉट टैक्सेबल है, अदरवाइज ये टैक्सेबल हो जाएगा। सर वो दो कंडीशंस कौन सी है? अगर आपने गवर्नमेंट को बेचा या ट्रांसफर कर लिया, या अगर आपने एमलगेमेशन कर लिया, तब तो सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसको भी वहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। और यदि आपने इस अकाउंट से पैसा निकाला तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसी साल उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो अगले साल वो टैक्सेबल हो जाएगा, आपकी इनकम में जोड़ लिया जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए ये था आपका सेक्शन 33AB। इसके बाद एक और सेक्शन है 33AB(a), बिल्कुल सेम सेक्शन है, ऐसा ही सेक्शन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा सेक्शन है, इसको हम 2 मिनट में निपटा लेंगे। सेक्शन 33AB(a) कहता है साइट रेस्टोरेशन फंड। साइट रेस्टोरेशन फंड का क्या मतलब है?
ये उन एसएससीज को मिलेगा जो एंगेज्ड हो इन द बिजनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स, जो मिनरल ऑयल्स को खोजते हैं, निकालते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एसएससीज को ये डिडक्शन मिलता है। सर सरकार ने क्यों दिया है डिडक्शन? अब सुनो ना, जहां पे मान लीजिए कंपनी है रिलायंस पेट्रो, रिलायंस पेट्रो का काम क्या है, वो अपने एम्प्लॉयज को भेजते रहते हैं कि चलो भैया जाओ और खोज के लाओ कि कहां पे पेट्रोल मिलेगा, कहां पे मिनरल ऑयल्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसके एम्प्लॉई चले गए और देखा कि एक जगह पेट्रोल का वो मशीन ने अलार्म दिया कि हाँ यहाँ पे पेट्रोल है जमीन के नीचे। अब वो क्या करेंगे, उसको खोदना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो उस जमीन को खरीदेंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी मशीन आएंगी, उसको खोदेंगे। अब अनसर्टन है कि नीचे कितना पेट्रोल मिलेगा, ये तो अनसर्टन है, ठीक है। उन्होंने 50 करोड़ का खर्चा करके जब पूरा वो खोदा एरिया, उसके बाद क्या हुआ, वहां पे 5 लाख रुपए का पेट्रोल मिला। अब ये चीजें अनसर्टन है, खर्चा कितना होगा और वहां से अमाउंट का, कितना अमाउंट का पेट्रोल या पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल्स क्या मिलेगा, वो तो अनसर्टन है, क्योंकि जमीन के नीचे आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि कितना कितने का होगा उसके नीचे, उसी हिसाब से फिर खर्चा भी करते। इसीलिए सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रोस्पेक्टिंग यानी खोज, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, या प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने, इन तीन कामों में है तो उनको डिडक्शन मिलेगा 33ABA में। और कितना डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड और 20% ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस। ऊपर कितना था 40%, यहाँ कितना 20%, विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे कंडीशन एक चीज चेंज होती है, सर कहाँ डिपॉजिट करना है, किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी अकाउंट में जमा कर दो इस पैसे को, लेकिन ये आपको साल खत्म होने के 6 महीने के बाद तक नहीं देखना, आपको देखना है कि साल खत्म हुआ इससे पहले पहले ही जमा कराना है, 31 मार्च से पहले पहले ही जमा कराना है, तब जाके रिडक्शन मिलेगा। बाकी सारी कंडीशन सेम एज 33AB। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, बाकी सारी कंडीशंस वही है जो 33AB की थी, जैसे कि कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीद सकते जिसको 100% डेप्रिसिएशन मिले, कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीद सकते जो शेड्यूल 11 में मेंशन है, कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीद सकते जो ऑफिस में यूज होता हो कंप्यूटर के अलावा, कोई भी ऐसा एसेट नहीं खरीद सकते जो रेसिडेंशियल पर्पस, स्टाफ क्वार्टर या गेस्ट हाउस में यूज होता है। और इन इन केस में अगर अमाउंट विदड्रॉ हो गया तो टैक्सेबल है या नॉट टैक्सेबल है वो आपको पता ही है। डेथ ऑफ एन एसएससी में नॉट टैक्सेबल, पार्टनरशिप ऑफ एचओएफ में नॉट टैक्सेबल, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा, कंटिन्यूस ऑफ बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगा। और चंदन की आवाज आ रही है? नहीं नहीं वो तो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, इसलिए आवाज आ रही है, वरना मेरे घर से भी नहीं है। ठीक है ठीक है, साहिल का म्यूट है, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस एसेट को जो आपने साइट रेस्टोरेशन फंड से, आप कोई भी ऐसा एसेट जो है खरीद सकते हैं ऊपर वाले के छोड़ के, जो हमने ऊपर वाले डिस्कस किया था, कोई भी एसेट जो आपने खरीदा उसको अगले 8 साल तक नहीं ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। हाँ अगर 2 केस में ट्रांसफर हुआ तब तो पता ही है, ठीक है। इन केस अगर आपने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया तो नॉट टैक्सेबल, लिक्विडेशन सॉरी एमलगेमेशन के केस में नॉट टैक्सेबल, ठीक है। और यदि आपने इस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया तो विद इन द सेम प्रीवियस ईयर आपको यूज करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, बताओ? हाँ, अरे बोलो ना, हाँ चलो ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट का क्या मतलब है। जैसे आपने जो फॉर्मेट बनाया था, यहां पे सबसे पहले आप लिखते थे ओपनिंग WDV, इसमें जोड़ते थे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर
माइनस मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड डिस्कार्डेड डैमेज्ड एटसेट्रा। उसके बाद आता था हमारे पास डब्ल्यू डी वी फॉर डेप्रिसिएशन। ये था हमारा फॉर्मेट। अब एक बात बताओ, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए डेप्रिसिएशन उस पे हमने ये देखा कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट जितने का हमने खरीदा, हमने ये देखा था कि एसेट को परचेज कर लिया गया तब जाके जो परचेज का कॉस्ट है वो हमने यहाँ पे जोड़ा था सीधा सीधा, हमने कोई झंझट अभी तक नहीं देखा। लेकिन रियल लाइफ में झंझट है। रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपने एसेट खरीदा, आपने एसेट को विल में या गिफ्ट में इनहेरिटेंस में, ठीक है, ऐसे भी लिया हो एसेट, ठीक है, आपके पिताजी या दादाजी कोई एसेट छोड़ के चले गए तो आपको मिला, तो जब आपने उस एसेट को अपनाया तो आप उसको अपने ब्लॉक ऑफ एसेट में जोड़ोगे, तो जब जोड़ोगे आपने कितना पे कर दिया, जवाब है जीरो, आपने तो कोई पेमेंट नहीं किया। तो आप यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट में कितना जोड़ोगे उसको बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। तो अलग अलग चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी एक्चुअल कॉस्ट में कि किस केस में एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग केसेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस जो है, यहाँ पे पहले तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है, एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसएससी। एसएससी को ये एसेट कितने का पड़ा उसको बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। आगे लिखा है शेल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेट बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है सुनना मेरे बच्चे, इसका मतलब ये है कि मैंने एक एसेट खरीदा, ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये मैंने खरीदा 5 करोड़ का, ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट एंड मशीनरी है जहां पे मैं जो एयर है, एयर को जो एयर में जो पोल्यूशन होता है उसको कम करता हूं इस प्लांट एंड मशीनरी से। अब मैंने ये प्लांट एंड मशीनरी अपने फैक्ट्री में लगाया, ठीक है, जहां पे मैं बिजनेस करता हूं, तो उस एरिया का जो इन्वायरमेंट है, जो पोल्यूशन है, वो कम होता है इस प्लांट एंड मशीनरी से। अब 5 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो सरकार ने कहा देखो आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको क्या करेंगे, हम बदले में आपको 2 करोड़ रुपए का बेनिफिट दे देंगे। आपने 5 करोड़ का खर्चा किया है, मैंने कहा हाँ, 2 करोड़ हमारी तरफ से ले लेना, सब्सिडी जिसको बोलेंगे, सब्सिडी जो सरकार की तरफ से हमें मिला, ठीक है। अब मुझे बताइए, मैं जब अपने बैलेंस शीट में एसेट लिखूंगा तो मैं कितने का लिखूंगा इसको, एसेट को कितने का लिखूंगा, क्या मैं 5 करोड़ का लिखूं या मैं 3 करोड़ का लिखूं, ये कंफ्यूजन है। सरकार ने डेफिनेशन में लिखा है कि कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसएससी, मैंने कहा 5 करोड़, शेल बी रिड्यूस्ड बाई दैट पोर्शन विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेट बाई एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। मतलब अगर इस 5 करोड़ में कुछ आपको मिला है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ रुपए का सब्सिडी मिला है, ठीक है, अगर सब्सिडी आपको मिला है तो भाई साहब आपके एसेट का एक्चुअल कॉस्ट जो आप जोड़ोगे ब्लॉक ऑफ एसेट में वो कितना जोड़ोगे, सिर्फ 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए को माइनस करने के बाद, इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट बताओ समझ में आया। अब एक्चुअल कॉस्ट लिखा है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में। इसके बाद सरकार ने एक्सप्लेनेशंस दिए, इस सेक्शन 43(1) के एक्सप्लेनेशंस बहुत सारे आए। जैसे ये सेक्शन आया, इस सेक्शन का बड़ा गंदा दुरुपयोग हुआ, कैसे सर, अरे सुनो बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। एक व्यक्ति है जिसके पास एक एसेट था, ये व्यक्ति जो है इसकी डेथ हो गई, इसका
जो लीगल हायर था इसने इस एसेट को टेक ओवर कर लिया। अब जब ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में एसेट लिखता है, एज पर लॉ लिखा है कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसएससी। यहां पे एसएससी कौन है? ये एसएससी है, ठीक है। प्रिया आपकी आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लें। बैलेंस शीट में लिखा है कि इसको लिखना है एसेट का वैल्यू, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट में इसको जोड़ना है इस एसेट को, तो ये कितने पे जोड़ेगा? कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसएससी, इसको कितने का पड़ा? सर ये तो इसको निल पे पड़ा, जीरो पे। तो इसने यहां पे लिखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में निल, मेरे को कोई इसमें एसेट का ये नहीं है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकता था कि इस व्यक्ति को ये एसेट आज से 15 साल पहले 20 लाख में पड़ा था, ठीक है। इस व्यक्ति ने इस 15 साल में 15 लाख का डेप्रिसिएशन भी इस पे क्लेम किया था, तो इसने क्या कर लिया, इसने सीधा सीधा यहाँ पे अपने एसेट्स में, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में 20 लाख रुपए जोड़ा, क्योंकि ये एसेट कितने का है? 20 लाख का। कब? 15 साल पहले का लिया हुआ। तो इसको जब भी डेप्रिसिएशन मिलता, इस 20 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलता, ठीक है। अगर ये यहाँ पे देखता कि 15 लाख तो डेप्रिसिएशन मिल चुका है इस पे, ठीक है, सेम एसेट पे 2 बार डेप्रिसिएशन लिया, पहली बार इसने लिया, इसके दादाजी ने, उसके बाद दोबारा इसने लिया, ठीक है, 20 लाख पे सेम एसेट और 2 बार डेप्रिसिएशन, ऐसे करके इसका गंदा दुरुपयोग किया। तो सरकार ने फिर एक्सप्लेनेशन लाई, और एक्सप्लेनेशन में क्या कर लिया कि कहा कि अगर कोई एसेट, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बता रहा हूं, अगर कोई एसेट जो गिफ्ट या विल के थ्रू या इनहेरिटेंस के थ्रू मिला हो, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या ले लेंगे? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन अलाउड टू प्रीवियस ओनर। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अब सरकार ने एक्सप्लेनेशन लाने के बाद क्या कर दिया कि भैया तुम इस एसेट को ब्लॉक ऑफ एसेट में जब जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, हाँ जी 20 लाख रुपए है, माइनस डेप्रिसिएशन अलाउड टू द प्रीवियस ओनर 15 लाख, बचा कितना? अब 5 लाख रुपए आपके एसेट में जुड़ेगा। इसको बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, 5 लाख रुपए को। एक और चीज मैंने आपको बताया कि अगर कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है, तो इस एसेट पे मान लीजिए मैंने बिल्डिंग को यूज कर लिया है, ठीक है, इस एसेट पे 100% डेप्रिसिएशन या कभी कभी 150% डेप्रिसिएशन, जिसको हम वेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वेटेड डिडक्शन। ये आपकी आवाज आ रही है, सॉरी सर, आप म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च है सेक्शन 35, ठीक है, 35 का सेक्शन हम देखेंगे अभी आगे। अगर कोई भी एसेट हमने यूज इसमें यूज किया हो, और हमने बिल्डिंग, मान लीजिए मैं बिल्डिंग का एग्जांपल बता रहा था, मैंने बिल्डिंग यूज कर लिया और मैंने 4 साल इस बिल्डिंग को साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर लिया, लेकिन जो बिल्डिंग थी ये 50 लाख रुपए की थी। अब पूरा 50 लाख जो है मैं पहले साल ही फर्स्ट ईयर में डिडक्शन में क्लेम करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा सीधा दिखाऊंगा कि मेरा बिल्डिंग जो है 50 लाख रुपए का, इसको यहां पे माइनस कर लूं, क्योंकि मैं इसको साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब इस 50 लाख का बेनिफिट मैं उठा चुका हूं, अब मुझे क्या करना है? क्या मुझे इस एसेट का दोबारा बेनिफिट मिलेगा? जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ ये चीज कि एक्सपेंसेस का मतलब है जितना बेनिफिट हमने उठाया, एसेट का मतलब है कि जितना बेनिफिट हमें फ्यूचर में उठाना है। अब यहां पे 50 लाख का एसेट मेरे पास था, लेकिन ये सारा का सारा एक्सपेंसेस में चला गया, क्योंकि सारा का सारा हमने इस पे बेनिफिट उठा चुके हैं, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग तो अभी भी मेरे पास है, अभी भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रहा है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि 4 साल के बाद अगर आपके पास ये बिल्डिंग है और आपका साइंटिफिक रिसर्च का काम खत्म हो गया, अब आप इस बिल्डिंग को वापस नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी आप किस में यूज कर रहे थे? साइंटिफिक रिसर्च में।
अब आप इसने नॉर्मल बिजनेस में यूज कर लिया, अब बिजनेस को थोड़ी बोलोगे कि हाँ इसका तो डेप्रिसिएशन ले चुका है मैं, ठीक है अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जला दो बिल्डिंग को, नहीं, आप उस बिल्डिंग को क्या करोगे, नॉर्मल बिजनेस में लाओगे। जैसे ही नॉर्मल बिजनेस में आएगा तो यहाँ पे तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में ऑलरेडी कुछ बिल्डिंगें होंगी, तो इस बिल्डिंग को भी जोड़ोगे, ठीक है इस बिल्डिंग को भी जोड़ोगे, लेकिन जब जोड़ोगे तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट लिखना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग का एक्चुअल कॉस्ट कितना है। तो सरकार ने कहा कि अगर आपने 35 सेक्शन में इस बिल्डिंग का पूरा डेप्रिसिएशन लिया हुआ है, डिडक्शन लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका एक्चुअल कॉस्ट निल मान लिया जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे, अगर 35 सेक्शन में आपने सिर्फ इसका 30 लाख रुपीज का डिडक्शन लिया है, तो यहाँ पे अब इसका कितना होगा, 50 तो ऑलरेडी था इसका कॉस्ट, माइनस जितना बेनिफिट उठा चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर चुके हैं 30, तो अब कितना बचा, 20 लाख अब इसका एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च नाउ ट्रांसफर टू नॉर्मल बिजनेस, इसका एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। जितना कॉस्ट एसेट का था, 50 लाख बिल्डिंग का कॉस्ट था, 35 के अंडर आपने कितना उसका बेनिफिट उठाया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना माइनस कर चुके हैं 50 लाख में से, अगर पूरा का पूरा 50 लाख माइनस कर चुके हैं तो एक्चुअल कॉस्ट निल ले लेंगे। यदि उसमें से 30 लाख रुपए ही आप प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर चुके हैं तो अब 20 लाख रुपए जो है वो आपका एक्चुअल कॉस्ट बनेगा। बताओ यहां तक समझ आएगा, यस और नो, अरे बोलो ना, हाँ, चलो ठीक, यस सर, यस सर। नंबर थर्ड, एसेट एक्वायर्ड टू गेट हायर डेप्रिसिएशन क्लेम, इसका क्या मतलब है, एसेट एक्वायर्ड टू गेट हायर डेप्रिसिएशन क्लेम, पॉइंट नंबर थ्री है, एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री टू सेक्शन 43(1). अब ध्यान से सुनना, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा। ये एक व्यक्ति है ए और ये दूसरा व्यक्ति है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास एक एसेट था जो 5 लाख रुपए का था, इसने इस एसेट को यूज कर लिया कुछ साल तक और इसका डेप्रिसिएशन जो है 4 लाख रुपए का क्लेम कर चुका था। अब इसका डेप्रिसिएशन, अब इसका जो WDV है मिस्टर ए के पास, वो 1 लाख रुपए बचा था। मिस्टर बी ने, ये इसका ब्रदर था या कोई फ्रेंड था, ठीक है, इसने मिस्टर ए से कहा, क्या तू अपना ये एसेट मुझे बेचेगा? उसने कहा हाँ। का कितने का बेचेगा? देख भाई, बुक्स में वैल्यू है 1 लाख रुपए की, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का ले ले। बी ने कहा ऐसे थोड़ी है, मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा। कितना दे दूंगा? 5 लाख रुपए। मिस्टर ए ने कहा है 5 लाख, लेकिन एसेट तो 1 लाख का ही है। अरे वो तुझे पता है ना एसेट 1 लाख का है, मुझे पता है एसेट 1 लाख का, एक्चुअल में तुझे मैं 1 लाख ही दे दूंगा, लेकिन मैं शो करूंगा कि मैंने एसेट कितने का खरीदा है, 5 लाख रुपए का, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे देखो क्या होगा, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जोड़ूंगा कि मेरा ब्लॉक ऑफ एसेट में 5 लाख रुपए जुड़ेगा, ठीक है। मैंने पे कितना कर लिया तुम्हें, सिर्फ 1 लाख रुपए, चलो 1.5 लाख ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 लाख ले लो, लेकिन मैं अपनी बुक्स में शो कितना करूंगा एसेट, 5 लाख रुपए, और जब डेप्रिसिएशन ले लूंगा तो फ्यूचर में मैं कितने का बेनिफिट उठा सकता हूँ, पूरा का पूरा 5 लाख का डेप्रिसिएशन उठा सकता हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल में, लेकिन बेनिफिट तो 5 का ही है मेरे पास एसेट का, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक चालाकी हुई, यहां पे एक बेईमानी हुई कि एसेट को खरीदा गया टू इवेड टैक्स, इवेड, या इसको बोलते हैं इवेजन, टैक्स इवेजन बोलते हैं, टैक्स की चोरी करने के लिए आपने एसेट को खरीदा, 1 लाख रुपए के एसेट को 5 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में खरीदते हैं इस वजह से ताकि मेरा जो ये आए प्रॉफिट आए डेप्रिसिएशन क्लेम करने की वजह से कम आ जाए, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। इसीलिए सरकार ने यहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में लिखा कि यदि तुम कोई ऐसा एसेट खरीद रहे हो टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन फॉर इवेजन ऑफ टैक्स और इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर में ये आ गया, उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या मान लिया जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा एज डीम्ड फिट बाय असेसिंग ऑफिसर। इस केस में आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ना तो 1 लाख रुपए मान लिया जाएगा, ना तो 5 लाख रुपए मान लिया जाएगा,
इस केस में क्या होगा, जो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा वही होगा, और असेसिंग ऑफिसर का डिसीजन 1 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, और इसके अलावा कुछ भी और हो सकता है। जैसे असेसिंग ऑफिसर को लगा कि नहीं एसेट की कीमत तो अभी 1 लाख रुपए ही है, तो वो यहाँ पे 1 लाख रुपए बता देगा कि भैया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपए मान लो। लेकिन सेम असेसिंग ऑफिसर को ये लगा कि ये जो एसेट है अभी अगर मार्केट से खरीदेंगे, मार्केट से सेम टाइप का सेम कंडीशन का एसेट खरीदेंगे तो वो 6 लाख रुपए का पड़ेगा, इसको तो फिर भी 5 लाख रुपए में मिला हुआ है, तो यहाँ पे इसको 5 लाख रुपए भी बोल सकता है, ठीक है, 6 लाख रुपए भी बोल सकता है, एज डीम्ड फिट बाय असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, ओके। एक और, अब एक और बेईमानी सुनो, कैसी कैसी बेईमानियां करते हैं लोग, सुनना। ए और बी ने क्या कर लिया, इन्होंने असेसिंग ऑफिसर को कहा देख भाई मेरे पास 5 लाख रुपए का एसेट था, इसमें से 4 लाख का बेनिफिट मैं उठा चुका था, 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू, ठीक है, 10 लाख लिख लिया मैंने, 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू, अगर मैं इसको हाई वैल्यू पे खरीदता हूं तो तुझे दिक्कत है, असेसिंग ऑफिसर को बोल रहे हैं, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर को बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको 5 लाख का खरीदता हूं तो तुझे दिक्कत हो रही है। उसने कहा हाँ दिक्कत हो रही है, अब सुनो मैंने इसको 1 लाख में खरीदा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और सुनो मैंने इस सेम एसेट को वापस इसको बेचा 3 लाख रुपए का। अब जब ये मिस्टर ए अपनी बुक्स में एसेट को दिखाएगा तो ये कितने पे दिखाएगा कि मैंने तो 3 लाख रुपए का खरीदा, आपके हिसाब से ही कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी, मुझे तो 3 लाख रुपए का पड़ा। अब सरकार ने कहा ये तुम सीधा सीधा बेईमानी कर रहे हो, ठीक है, पहले 1 लाख का बेचा ताकि वो ना फंसे, अब तुम वापस खरीद रहे हो क्योंकि तुमने कानून बनाया कि अगर तुमने बेचा हायर कीमत पे तो एस डी मोड फिट पे एसएससी, तो ये नया कानून तुमने खुद ही बनवाया हमसे, ठीक। अगर तुमने एसेट को बेचा और उसके बाद रीएक्वायर कर लिया, एसेट ट्रांसफर एंड रीएक्वायर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पे एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल डब्ल्यू डी वी ऑफ ट्रांसफरर और रीएक्विजिशन कॉस्ट। जो ट्रांसफरर है, पहला ट्रांसफरर कौन सा था, यहाँ पे पहला ट्रांसफरर था मिस्टर ए, इसका जो डब्ल्यू डी वी है या इसका डब्ल्यू डी वी, ये भी ट्रांसफरर है, इसने 1 लाख रुपए का एसेट यहाँ पे 1 लाख रुपए का बेचा, तो ये ट्रांसफरर हम मान लेंगे, ठीक है, या इसने 1 लाख रुपए का एसेट यहाँ पे 80,000 रुपए का बेचा, इसको भी ट्रांसफरर मान सकते हैं। तो सरकार कहती है कि जो ट्रांसफरर ने आपको ट्रांसफर कर दिया है, इस डब्ल्यू डी वी को मैं मान लूंगा एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। एक और बेईमानी सुनो, एक और बेईमानी, मिस्टर ए ने कहा और बी ने कि यार तुम तो हमें फंसाते चल रहे हो, अब सुनो हम क्या करेंगे, ये ए है और ये बी, इन्होंने कहा देख भाई अब बात सर से ऊपर चली गई है, 5 लाख रुपए का एसेट है, 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, इसके बचा कितना 1 लाख, अब ना मैं इसको बेचूंगा, ना मैं इसको बेचूंगा, ठीक है, और ना मैं इसको, चलो ठीक है बेच दिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का बेच दिया, तुझे कोई दिक्कत है, असेसिंग ऑफिसर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब सुनो मैं इसको वापस अगर रीएक्वायर कर रहा था तो तुम्हें दिक्कत हो रही थी कि तुमने 3 लाख का क्यों खरीदा, अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लीज पे ले रहा हूं और मैं लीज रेंट पे कर रहा हूं 20,000 रुपए पर मंथ, तो बताओ पूरे साल का मैं कितना लीज रेंट पे करूंगा, 2,40,000। भैया जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे रेंट शो करूंगा कितने का, 2,40 का, और एसेट कितने का था एक्चुअल में, बेनिफिट कितने का उठा सकते थे, 1 लाख का, और यहाँ पे कितने का बेनिफिट उठाओगे, 2,40 का, अगले साल फिर 2,40 का, फिर 2,40 का, ऐसे करके तो तुम्हें हमें बेवकूफ बना रही। इसीलिए सरकार ने कहा भैया यहाँ पे इन केस ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड एंड लीज्ड बैक
in case of asset transferred to and leased back, actual cost is equal to WDV of transfer. मतलब जो transferer आपको transfer कर रहा है, उसका जो WDV है 1,00,000 रुपए, इसी को हम मान लेंगे आपका यहाँ पे asset में जुड़ेगा. ठीक है, क्योंकि lease rent जो है, lease आप ऐसे yearly write off करते हैं, lease का जो payment है वो आप yearly write off करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि हमने 20,000 रुपए per month जो है लीज पे लिया हुआ है, तो अगर हमने 10 साल के लिए लीज पे लिया हुआ है तो हमने कितना पेमेंट किया होगा, और उसी हिसाब से फिर हम 240 हर साल राइट ऑफ करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे सरकार ने कहा आप एसेट में जोड़ो उसको, लीज को, लेकिन टोटल जो है 1,00,000 ही जोड़ना, WDV या ट्रांसफर जोड़ना. आप 10 साल का जो अमाउंट है दिखा रहे हो वहां पे, वो झूठ वाला अमाउंट है, फर्जी अमाउंट है, उसको हटा दो और 1,00,000 रुपए वहां पे लगा लो. ठीक है, यहां तक ओके. अब आगे चलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट में बड़े झंझट हैं भाई, बड़े झंझट हैं. बिल्डिंग अर्लियर यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस नाउ ट्रांसफर्ड टू बिजनेस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सुनना. मेरे पास एक मकान है, और ये दूसरा मकान है, और ये तीसरा मकान है. मैंने सरकार को कहा कि ये तीनों मकान जो है मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये मैंने बनाया था 50,00,000 में, ये बनाया था 40,00,000 में, और ये बनाया था 30,00,000 में. ठीक है, इनका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 50,00,000, 40,00,000 और 30,00,000 है. सरकार ने हाउस प्रॉपर्टी में मेरे से कहा कि देख भाई, अपनी मर्जी से, तेरी मर्जी, इन तीन मकान में से दो मकान को तू सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले. तो मैंने इन दोनों को चॉइस कर लिया. इसका क्या होगा सरकार, इसका होगा ये बनेगा DLO, डीम्ड टू बी लेट आउट. ठीक है, अब ये मैंने बनाया था 10 साल पहले, 10 इयर्स बैक. ठीक है, पहले प्रॉपर अच्छे से सुन लेना, उसके बाद आंसर बताना. 10 साल पहले मैंने खरीदा हुआ है, बनाया है. अब मैंने, मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा कि क्यों ना इस तेरे मकान में हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या मैंने ऐसे ही सोचा क्यों ना मैं अपना ऑफिस यहां पे खोलूं, कुछ भी हो सकता है ना. मैंने, मेरा मकान खाली पड़ा होता तो मैंने सोचा एक ऑफिस खोलूं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूं मैं वहां पे. ठीक है, जहां मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं, तो बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, कुछ भी बना सकते हैं वहां पे. अब सुनो, अब कहानी यहां पे खत्म होती तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपने, इस मकान को अपने बिजनेस में लाया, तो मुझे इसको ब्लॉक ऑफ एसेट में जोड़ना पड़ेगा. यस और नो? हाँ जी सर. ब्लॉक ऑफ एसेट में जोड़ने के लिए मैं ओपनिंग WDV लिखता हूं, जो मेरे ओल्ड ब्लॉक थे, प्लस इसमें लिखता हूं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट. तो एक्चुअल कॉस्ट इसका कितना है, 30,00,000 रुपए. लेकिन ये 30,00,000 रुपए कब लगा था, 10 साल पहले. तो क्या मैं यहां पे 30,00,000 रुपए लिखूंगा? जवाब है नहीं. सरकार ने कहा कि आप मान के चलो कि ये जो 30,00,000 रुपए का मकान है, ये आप यूज कर रहे हो बिजनेस में फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, जिस साल बनाया था. नोशनल डेप्रिसिएशन लगाओ 10 साल की. भैया जब हमने इसको बिजनेस में लाया ही नहीं था, मेरा तो बिजनेस ही नहीं था 10 साल. नोशनल मतलब फर्जी. इमेजिन कर लो कि आपका बिजनेस 10 साल पहले था, और ये वाला जो मकान है ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता था. ठीक है, ये टैक्सेबल होता था पीजीबीपी में. पीजीबीपी में इसका डेप्रिसिएशन आप लेते थे, और डेप्रिसिएशन यदि आप ले लोगे तो मुझे बताइए किस रेट से ले लोगे. पहले तो इसका आंसर बताओ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो पिछले 10 साल का है किस रेट से ले लोगे. दो रेट है मेरे पास, एक है 5%, एक है 10%. 5% लगता है कि अगर कोई स्टाफ क्वार्टर है. ठीक है, 10% लगता है अगर कोई ऑफिस बिल्डिंग या फैक्ट्री बिल्डिंग है. 40% लगता है अगर कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर है. तो पहले बताओ तीनों में से कौन से रेट पे मैं नोशनल डेप्रिसिएशन लगा लू. जल्दी से आंसर बोलेंगे, कोई है जो आंसर बोलेगा?
सर 10% 10% लगाइए क्यों सर क्योंकि बिल्डिंग है ना ऑफिस यूज के लिए ऑफिस यूज हो रही है सर हिमांशु कहता है कि सर 10% डेप्रिसिएशन लगाइए कोई और बताना चाहेगा अपनी टिप्पणी नहीं सर 40% 40% क्यों तुम्हें टेम्परेरी लग रहा है 10 साल से टिका हुआ है टेम्परेरी है वो टेम्परेरी मतलब वो नहीं है ना अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है चलो ठीक है जो भी है सर आप बता दो चुपचाप ज्यादा ये मत करो हाँ हंसी आ रही है तुझे बड़ी अब सुन इस पे सरकार ने कहा देख भाई अगर ये बिजनेस में बिल्डिंग होती तो बताओ ये बिजनेस में रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही थी कि ऑफिस के लिए यूज हो रही हमने कहा तो अभी तक तो रेसिडेंशियल के लिए दस साल जो लास्ट 10 साल है 10 साल तक इसमें ऑफिस का काम हो रहा था या रेसिडेंशियल का काम हो रहा था रेसिडेंशियल का और रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन है वो लगता है 5% तो पिछले 10 साल का आप डेप्रिसिएशन निकालोगे 5% रेट से ठीक है और आज जो WDV आपके पास आएगा उस WDV को यहां पे आप लिखोगे एक्चुअल कॉस्ट मान लीजिए बिल्डिंग 30 लाख रुपए की है तो 10 साल का WDV आपको 10 साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा पहले साल 30 लाख का 5% बताओ कितना आएगा 1.5 लाख अगले साल कितना बचा आपके पास 28,50,000 फिर से इस पे क्या करोगे 5% ऐसे करके 10 साल का निकालना पड़ेगा ठीक है 10 साल का निकालने के बाद जो WDV बचा उसको एक्चुअल कॉस्ट बोलेंगे लेकिन सुनो जिस साल आपने इसको बिजनेस में लाया अब अगले साल से मतलब इसी साल से क्या करोगे आप इस पे 10% डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करोगे क्योंकि अब ये आपके ऑफिस के काम में आ रहा है अब आपने इसको ऑफिस लैब बनाया है या आपने इसको बिजनेस में लाया हुआ है तो आप क्या करोगे इस पे 10% डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करोगे ठीक है यहां तक क्लियर बात है चलो इसीलिए लिखा है कि अगर कोई बिल्डिंग अर्लियर जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता है ठीक है तो ट्रांसफर अगर आपने इसको बिजनेस में कर लिया है तो एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन जितना आपने बनाने का खर्चा या खरीदने का खर्चा है उसमें माइनस करेंगे नोशनल डेप्रिसिएशन टिल डेट नोशनल मतलब इमेजिनरी डेप्रिसिएशन ओके उसके बाद है होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी किसी आपस में अगर कोई एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं पहले बताओ होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होता है जल्दी से दो कंपनियां हैं होल्डिंग कंपनी और यह सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी क्या होता है सब्सिडरी कंपनी क्या होता है जल्दी से बताओ सो मोर देन 50% ऑफ शेयर होते हैं जिस एक कंपनी की दूसरी कंपनी के पास वो होल्डिंग आती है हाँ, और दूसरी सब्सिडरी हो जाती है दूसरी सब्सिडरी हो जाती है बहुत अच्छी अब सुनो यहां पे अगर सब्सिडरी कंपनी के 51% शेयर्स होल्डिंग के पास हैं तो इसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं ठीक है और इसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं लेकिन कंडीशन यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे कंडीशन है कि 51% देखो क्या है कि अगर सब्सिडरी कंपनी यहां पे कोई एसेट को ट्रांसफर कर रही है तो बताइए यहां के इस सब्सिडरी कंपनी के कितना प्रतिशत ओनर होल्डिंग कंपनी है सर 51% क्या सारे ओनर मतलब यहां पे 49% तो बाकी भी ओनर है इसमें हाँ सर तो ऐसे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं सर कब एप्लीकेबल होगा अगर होल्डिंग कंपनी के पास पूरा का पूरा 100% शेयर है 100% शेयर तब तो जो सब्सिडरी कंपनी है इसके 100% मालिक कौन है होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स यस और नो हाँ जी सर तो अगर एसेट यहां पे रहे या यहां पे रहे क्या कोई फर्क पड़ेगा नहीं ये एसेट भी इन्हीं शेयर होल्डर्स का है और यहां पे एसेट रहे ये भी इन्हीं शेयर होल्डर्स का है तो ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं लग रहा है ट्रांसफर लेकिन ट्रांसफर एक्चुअल में हो ही नहीं रहा ठीक है
अगर कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी आपस में ट्रांसफर करे और होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी का, तो उस केस में सरकार ने कहा है ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू WDV ऑफ ट्रांसफरर, एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल WDV ऑफ ट्रांसफरर, मतलब यहां पे सब्सिडरी कंपनी ने अगर कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया है होल्डिंग को, तो जो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में WDV था उसी को होल्डिंग कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअल कॉस्ट बना लेगा, ठीक है। या होल्डिंग कंपनी अगर ट्रांसफर कर रहा है तो जो इसका WDV था वो इसका एक्चुअल कॉस्ट बनेगा। क्लियर है यहां तक? सारी चर्चा एक्चुअल कॉस्ट पे बेस्ड हो रही है अभी तक। उसके बाद एमलगमेटिंग कंपनी ट्रांसफर कर रही है एमलगमेटेड कंपनी को। एमलगमेशन में क्या होता है बताओ? एमलगमेशन में क्या होता है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रही है। अगर ये इंडियन कंपनी है, सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर हुए, ठीक है, तो जब ट्रांसफर ऑफ एसेट होगा तो जो इसका WDV होगा, WDV होगा वो इसका एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। यही लिखा है इसमें, एमलगमेटिंग कंपनी ट्रांसफर एसेट कर रही है एमलगमेटेड कंपनी को, तो एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू WDV ऑफ ट्रांसफरर। कंडीशन क्या है? ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होगी, एमलगमेटिंग या एमलगमेटेड? एमलगमेटेड कंपनी क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी, डीमर्जर क्या होता है? डीमर्जर सर एक कंपनी के दो हिस्से हो जाते हैं, दो से ज्यादा हिस्से हो जाते हैं, उसको डीमर्जर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई लिमिटेड है तो इसके दो हिस्से हुए, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया, जितने भी यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज है इनका बंटवारा हुआ, कुछ इसके हिस्से में आ गई, कुछ इसके हिस्से में आ गई। अब यहाँ पे ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्लॉक ऑफ एसेट में क्या जोड़ेगा? ब्लॉक ऑफ एसेट में जोड़ेगा एसेट्स एक्वायर्ड, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या ले लेगा? एक्चुअल कॉस्ट जो है जो एक्स वाई जेड का WDV है, ठीक है। ये भी क्या लिखेगा, जो यहाँ का WDV एसेट का है वो इसका एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा। यही लिखा है इसमें कि डीमर्ज कंपनी अगर रिजल्टिंग कंपनी को क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, तो एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल WDV ऑफ ट्रांसफर। लेकिन इस केस में कंडीशन है ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होगी? रिजल्टिंग कंपनी, जो बनेगी अब कंपनी, क्योंकि डीमर्जर में तो एक कंपनी तो बेकार हो जाती है और दूसरी कंपनी जन्म लेती है। अब है पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर एसेट। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने लिया है टू एक्वायर एसेट, इस केस में क्या होता है सुनना, एक एग्जांपल देता हूं आपको। 1/4/2017 को मैंने लोन लिया एसेट खरीदने के लिए, एसेट टू बी परचेज्ड, ठीक है, या एसेट को बनाने के लिए। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया 1/4/2019 को, ठीक है, 2 साल मुझे लगे पहले एसेट को बनाने में, उसके बाद इसको बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए। अब सुनो ना, इसके बाद का जो इंटरेस्ट है, इसके बाद का जो इंटरेस्ट है इसको मैं एज एक्सपेंस ट्रीट करूंगा, क्योंकि मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं किस पे? लोन पे। इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज एसेट, इसके लिए मैं क्या दे रहा हूं? इसके लिए मैं एक्सपेंसेस दे रहा हूं, इंटरेस्ट दे रहा हूं। अब इससे यहां पे जो मैंने इंटरेस्ट पे कर लिया है, एक मिनट,
मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इसके बाद ये एक्सपेंस हो गया, और यहां पे कहीं मान लीजिए 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 नहीं 2018 को मेरा ये एसेट रेडी था, लेकिन मैं इसको पुट टू यूज कब करूंगा? पुट टू यूज तो उसी दिन करूंगा ना जब बिजनेस स्टार्ट होगा, तो मैं पुट टू यूज यहां बोलूंगा इसको। अब यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट है इसको मैं कैपिटलाइज करूंगा, यस और नो? हाँ जी सर, क्योंकि एसेट का कॉस्ट में बड़े जुड़ेगा, ठीक है, तो इस इंटरेस्ट को मैं कैपिटलाइज करूंगा। जितना मेरा एसेट का कॉस्ट है, मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और यहां से यहां तक 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, तो मेरा एसेट का कॉस्ट यहां पे 12 लाख रुपए हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं है, क्योंकि देखो एसेट खरीदने से पुट टू यूज तक जो मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं कैपिटलाइज करूंगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। अब बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, लेकिन अभी एसेट पुट टू यूज नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं वो तो मेरा एक्सपेंस हो गया। लेकिन मुझे बताइए यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट है, एसेट मेरे पास बना हुआ है लेकिन बिजनेस नहीं है, एसेट मेरे पास रेडी है लेकिन बिजनेस नहीं है, यहां से यहां तक भी तो मैंने एक साल का इंटरेस्ट पे कर लिया होगा, यस और नो? सर यस। इस इंटरेस्ट को क्या करूं, कैपिटलाइज करूं या एक्सपेंस मानूं? ये कंडीशन। सरकार ने कहा एक काम करो, आपको क्या अच्छा लगता है? हमने कहा जी हमें कैपिटलाइज करना अच्छा लगता है, ठीक है तो कैपिटलाइज करो। दूसरा व्यक्ति आया, सर हमें एक्सपेंस ट्रीट करना अच्छा लगता है। सरकार ने कहा ठीक है एक्सपेंस ट्रीट करो। सर मतलब आप चाहे इसको कैपिटलाइज करो या एक्सपेंस ट्रीट करो, बोथ आर अलाउड, दोनों सही है, इसमें कोई ये नहीं है। इसीलिए लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर एसेट, एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने लोन लिया है। प्रेयर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने लोन लिया है तो उसको कैपिटलाइज कर लीजिए। आफ्टर पुट टू यूज ऑफ एसेट, जिस दिन आपने एसेट को पुट टू यूज कर लिया उसके अगले दिन से ट्रीट एज एक्सपेंस, उस इंटरेस्ट को एक्सपेंस ट्रीट कर लो। इंटरेस्ट बिटवीन कमेंसमेंट एंड पुट टू यूज, जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसके बाद पुट टू यूज कब कर लिया, ठीक है, ये दो अलग अलग डेट हो सकते हैं, इन दो अलग अलग डेट्स के बीच का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको या तो कैपिटलाइज कर लो या ट्रीट एज एक्सपेंस, बोथ आर अलाउड, ठीक है। सेनवेट क्रेडिट को अभी भूल जाएं या ऐसे, चलो ठीक है, सेनवेट क्रेडिट या मॉडवेट क्रेडिट ये मिलता था अगर कोई एसेट आप खरीदते हैं, जो ये आपको मैंने वैसे भी बता दिया है, कोई एसेट आपने खरीदा मान लीजिए 5 लाख रुपए का, इस पे सरकार ने कोई आपको बेनिफिट दिया स्टैंडर्ड क्रेडिट का या मॉडरेट क्रेडिट का, ठीक है, तो अब तो जीएसटी आया हुआ है तो क्या होगा, जितना बेनिफिट आपने उठाया है उसको माइनस करेंगे। मान लीजिए 2 लाख रुपए का बेनिफिट है, 2 लाख का बेनिफिट है, तो यहाँ पे आप अपना एक्चुअल कॉस्ट कितना लिखेंगे, 3 लाख लिखेंगे, ये पहले ही क्लियर हम कर चुके हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी इंसेंटिव रिसीव्ड, ये भी वैसे ही मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट आया है उसको माइनस कर लीजिएगा एक्चुअल कॉस्ट में से, तब जाके आपको एक्चुअल कॉस्ट जो है वो जोड़ना पड़ेगा। फिर एनआर कम्स टू इंडिया फॉर बिजनेस एंड ब्रिंग्स एसेट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अब यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। ये एनआर है मिस्टर जॉन, ये अभी तक यूएसए में रहता था, अब ये इंडिया में आया और इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो इसने एक मशीन जो है यहां से साथ लाया और कहा कि इस बिजनेस में यूज करूंगा। अब ये जो बिजनेस है जो इसका यूएसए में था, इसने यूएसए वाले बिजनेस से एक मशीन खरीद इधर इंडिया में ट्रांसफर कर लिया है, तो मुझे बताइए क्या यूएसए में इसने इस मशीन पर डेप्रेशन लिया होगा? जवाब है यस। तो सरकार जॉन से पूछती है कि जॉन तुमने ये एसेट कब खरीदा था? जॉन ने कहा कि 5 साल पहले, 5 years back।
तो जब तुम इसका एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे लिखोगे, कितने का खरीदा था, जी मैंने इसको 10 लाख रुपए का खरीदा था, ठीक है 10 लाख रुपए का खरीदा था। अब जब तुम इंडिया में इसको लाओगे, इंडिया में इसको यूज करोगे, तो क्या तुम अपना एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख लिखोगे? जवाब है ना। क्यों सर? 5 साल का डेप्रिसिएशन इस पे कौन लगाएगा? हम इस पे नोशनल डेप्रिसिएशन, जैसे आपने अभी वो मकान वाले पे नोशनल डेप्रिसिएशन लगाया, वैसे ही इस पे मशीन पे भी नोशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। नोशनल डेप्रिसिएशन कितने साल का? 5 ईयर्स का टिल डेट। अब सुनो ना, एक बात बताओ मुझे, यहां पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या लगेगा? अलग अलग आंसर आएंगे, मुझे पता है, कोई बोलेगा 15%, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, लेकिन सही आंसर वो है कि सर जिस प्रकार का मशीन है उसी प्रकार का डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लीजिए अगर नॉर्मल प्लांटर मशीनरी है तो 15% लगेगा, ठीक है। अगर कोई मोटर कार है जो हायर के लिए यूज ना हुआ हो तो बताओ इसके लिए कितना है? सर कुछ तो 30% है या 15% है, ठीक है। या कोई पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है तो 40% है, ठीक है, ऐसे करके। या कोई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे 40% है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है तो 40% है। बहुत सारी प्लांटेड मशीनरी है, जिस प्रकार का प्लांटेड मशीनरी है उसी प्रकार का डेप्रिसिएशन, नोशनल डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज लगेगा पिछले 5 साल का, ठीक है यहां तक। उसके लिए उसके बाद है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पोरेटाइज हो जाता है, मान लीजिए सिंपली क्या बोलूं, ये एक कंपनी है, ठीक है, अब ये कॉर्पोरेटाइज कर लिया इसको गवर्नमेंट ने, दूसरी कंपनी बन जाता है, तो यहाँ के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हो जाते हैं? इधर आ जाते हैं। सेम कंपनी है भाई, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। तो जब आप यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ले लोगे तो आप इसका मार्केट वैल्यू नहीं ले लेना एसेट का, ठीक है, या आप इसका रिवैल्यूएशन वैल्यू नहीं ले लोगे, आप ले लोगे जितना इसका WDV अभी तक एसेट था, वही WDV आप यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट इसके लिए मान लोगे। यही बात है और इसमें कोई ऐसा बड़ा चर्चा का विषय नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ जो देखा वो था एक्चुअल कॉस्ट पे बेस्ड हमारी चर्चा रही, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन का, ये करके फिर क्लास ओवर कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा काम मुझे भी आया है तो मैं इसको यहाँ पे ओवर करना चाहता हूँ क्लास को। एडिशनल डेप्रिसिएशन, इट इज अवेलेबल टू द एसएससी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग एनी आर्टिकल और थिंग और यूनिट्स ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इफ फॉलोज WDV मेथड। चलो इसका एक काम करो, इससे पहले ना मुझे आपको कुछ और चीज बतानी है, पावर जनरेटिंग यूनिट्स का बताएंगे, उसके बाद ही फिर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन बताएंगे, ठीक है। चलो सारे बच्चे हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक कल ही हम इसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर जो डेप्रिसिएशन के रेट है वो आपके इस नोट्स में आए हैं, आप अलग से दोगे? मैं आज आपको PDF भेजूंगा, उसमें सारे डेप्रिसिएशन रेट्स हैं। ओके सर। और कोई? हिमांशु, रीति? नो सर। चैट में कौन आया? चैट में साहिल। यस सर, आज का PDF भी भेज देना। लास्ट वाला PDF तुम लोगों ने प्रिंट किया था जो मैंने भेजा था, ये वाला? हाँ करवा लिया सर। ठीक है, प्रिंट करा के जो जो जहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ वहाँ वहाँ पे चेंजेस कर लेना, ठीक है। आज तो खैर मैंने ज्यादा कोई चेंज कर ली नहीं, ठीक है, इनकेस अगर उसमें कोई चेंज लगता है वहाँ पे चेंज कर लेना, ठीक है। ओके सर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।